जब हम फूल रहे होते हैं, यानी कि हम जब मोटे हो रहे होते हैं, हमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हम बस मोटे हो रहे हैं। हम किस डायरेक्शन में मोटे हो रहे हैं से कोई फर्क नहीं पड़ती है, बस इतना फर्क पड़ता है कितना ज्यादा एरिया ले रहे हैं दुनिया में, कितनी मतलब हम कितना ज्यादा बोझ डाल रहे हैं दुनिया पर, है कि नहीं। और वैसे ही जब हम बात करें पापा के थप्पड़ की, जब हमारे पापा हमें आते हैं मारने के लिए, या तो थप्पड़ आता है कहीं कोई जगह से, तो उसका डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थप्पड़ यहाँ से आए तो हाथ यहाँ से ब्लॉक करना होगा, थप्पड़ यहाँ से आए तो ऐसे ब्लॉक करना होगा, मुक्का आएगा तो फिर खाना पड़े, कुछ नहीं कर सकते हम। और जब बेल्टें पड़ती हैं तो फिर भाई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, उसके मैग्नीट्यूड से फर्क होने लग जाता है। बट द होल इन ऑल कॉन्सेप्ट हियर इज कि यार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके डायरेक्शन से हमें इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके बस मैग्नीट्यूड से इंपॉर्टेंट है हमें। और देर आर फ्यू थिंग्स वेयर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही चीजों के बारे में जिसको हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो अगर आपने कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचा हुआ है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, ये दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू गाइस। सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड दिस इज अभिषेक, योर मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स हियर टू लेट यू गाइस नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस गोना, यू नो, इज दिस गोइंग टू बी। So before that, make sure that you hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now for more amazing videos on basic science. And now let's get started. To understand this now, let's introduce our very own mascot. Starting from all the videos today, you will find this mascot of this particular channel always there. And the name of this mascot is nothing else but Newton. Yes, that's the personality is going to help us a lot in all the scenarios, because as you know, Isaac Newton sir was always there in almost all the concepts, right, starting from light ke theories to gravitational theories, sab jagah wo the. To aaj mante hain ki bhai Newton ji hamari sari videos mein bhi help karne wale hain by being a mascot of this particular channel, theek hai. To Isaac Newton ji, main Newton nahi bulate pyar se, theek hai. Maan lete hain Newton gaya hua hai Egypt, theek hai, aur main India mein hu. इजिप्ट में जाकर मुझे न्यूटन बोल रहा है कि भाई पता है मैं आज यहाँ गया था इजिप्ट में, मैं वहाँ गया था इजिप्ट में, और यहाँ भी देखा वहाँ भी देखा। तो जब भी मुझे न्यूटन इस सब बारे में बता रहा है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं पड़ता है ना। आई रियली डोंट वांट टू नो कि भाई अच्छा पिरामिड के वहां से उसने राइट लिया, उसके बाद फिर वहां पे गया था, उसके बाद फिर लेफ्ट लेके उसने वहां पे गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई उसका लोकेशन कहाँ पे, अच्छा इजिप्ट गया हुआ है और इजिप्ट में यहां भी गया वो, अच्छा वहां भी गया वो, तो लोकेशन पे फर्क पड़ता है उसके, ना ही डायरेक्शन से। अब यही मान लो कि जब न्यूटन को मेरे घर पर आना है, मान लेते हैं न्यूटन को मेरे घर पर आना है और वो यू नो चेन्नई में है और मैं बैंगलोर में हूँ, तो तब मुझे न्यूटन को मेरे घर तक का डायरेक्शन और रास्ता बताना पड़ेगा, तब जाकर मुझे न्यूटन के ट्रैवल करने के डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होगी, है ना, मुझे उसके डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। तो अब इन दोनों सिनेरियो को उठाते हैं और साइंस में डालते हैं। मान लेते हैं क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया क्वांटिटी है हमारी, है ना, जो बताता है कि भाई मैं कितना जगह ले रहा हूं इस दुनिया में, मैं कितना बड़ा बोझ हूं, वो एरिया बताता है मुझे, करेक्ट। मान लेते हैं सर्कल का एरिया है, एक सर्कल है उसका एरिया यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं उसका एरिया समवेयर अबाउट 20 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ इसके डायरेक्शन से आपको फर्क पड़ता है, सर्कल का जो भी एरिया है वो किस डायरेक्शन में 20 मीटर स्क्वायर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि भाई साहब इसका यू नो लोकेशन कहाँ पे है। जैसे आप घर जब खरीदते हो या तो जब आप यू नो कोई जमीन खरीदते हो, तो जमीन कितने स्क्वायर फीट की है, कितने मीटर स्क्वायर की है, वो उससे फर्क पड़ता है हमें। और इससे फर्क पड़ता है कि भाई साहब वो लोकेशन कहाँ पे है, क्या एयरपोर्ट के नजदीक है वो, क्या कि कोई जंगल में है, क्या कोई बीच एरिया में है, क्या कोई पहाड़ में है। तो लोकेशन में फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एरिया बिकम्स अ क्वांटिटी ऑन विच वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बाय जस्ट द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड। 20 मीटर स्क्वायर का एरिया का सर्कल, अरे बाप रे, आपका घर 4,000 स्क्वायर फीट के घर बनाया आपने, तो इससे फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, ना कि उसके डायरेक्शन पे। ऐसे क्वांटिटीज को वी कॉल इट एज स्केलर क्वांटिटीज, विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन, नीदर डू वी वांट डायरेक्शन ऑफ इट, सिंपल एज दैट। कुछ एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज हो सकते हैं, जैसे होता है मास होता है, डिस्टेंस होता है, यू नो वॉल्यूम होती है, डेंसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, और अभी एरिया भी होती है। तो डू लेट अस नो व्हाट अदर एग्जांपल्स डू यू नो ऑफ स्केलर क्वांटिटीज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ये भी बहुत सारा सिंपल है। मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल ले लिया फोर्स, जो हमने थप्पड़ वाला एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में। जब आप फोर्स देते हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दोगे,
It's very clear कि उसी direction में आपका object move भी होगा, है ना? तो अगर मुझे किसी भी object को, मान लेते हैं ये हमारे सामने जो box रखा हुआ है, इस box को मुझे उस direction में धक्का मारना है, तो मुझे force को उसी direction में देना पड़ेगा ना, वरना थोड़ी ना object उस direction में move होगा। अगर मुझे इसी box को इस direction में move करना है, तो मुझे मेरे force को उसी direction में देना होगा, तब जाके वो object उस direction में move होगा। तो यहाँ पे मेरे magnitude के साथ, जब मैं जितना force डाल रहा हूँ, उसके साथ उसका जो direction है, उस पे भी depend करता है। यहाँ पे सिर्फ magnitude पे depend नहीं होगी चीज़ें। समझ में आई बात? जैसे पापा का थप्पड़ जब आता है, अगर ब्लॉक करना है तो समझ में आना चाहिए भाई डायरेक्शन कहाँ पे है। तो बोथ फॉर दी ऑब्जेक्ट एंड बोथ फॉर दी पर्सन और दी ऑब्जेक्ट अप्लाइंग दी फोर्स एंड टेकिंग दी फोर्स, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और इंपॉर्टेंस भी दोनों का होता है, हम इन क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, यू नो अ लॉट मोर। डू लेट अस नो अबाउट इफ इन केस यू नो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज द स्केलर क्वांटिटीज। बस इतना ही तो था आज का सेशन। दैट्स ऑल स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। खामा का आप इतना टेंशन लेते हो यार, स्कूल्स में जब आ जाते हैं स्केलर वेक्टर के बारे में डर जाते हो, इतना का है लेकिन, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। This was the basic science video for today, and in the next video of basic science we're going to talk about something very interesting, for which again you can let me know the answer on the comment section, which is what is that type of energy which we require while moving. Socha nahi to socho abhi. Do let us know all the three questions answered in the comment section. Make sure that you're hitting the like button, sharing this video and letting everyone know that these kind of amazing videos are coming on this channel. Subscribe to the channel if in case you haven't, press the bell icon and get notified about all the amazing videos coming on forward. और इसके पहले जो भी वीडियोस हुए उनको भी देखना, इसके बाद जो होने वाले उनको भी देखना। अल्टिमेट द नेक्स्ट टाइम, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।